प्रतीक की गलती के लिए शमिता और करण ने निशांत को ठहराया जिम्मेदार। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में कैप्टनसी टास्क शुरू होने से पहले ही रद्द हो चुका है और घर के सभी सदस्य ये मान रहे हैं कि कैप्टनसी टास्क प्रतीक की वजह से रद्द हुआ, क्योंकि बिग बॉस ने घर के सभी सदस्यों को ये मौका दिया था कि वो आपसी सहमति से ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो किसी दो सदस्य को कैप्टनसी का दावेदार बनाएं, और उन्हीं दो सदस्यों के बीच कैप्टनसी टास्क होता। जो विजेता होता वो इस हफ्ते के लिए घर का नया कैप्टन बन जाता, लेकिन प्रतीक अपनी जिद पर अड़े रहे और वो भी कैप्टनसी के दावेदार बनना चाहते थे, और इसी वजह से आपसी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि बाकी के सदस्य जय और विशाल को कैप्टनसी का दावेदार बनाना चाह रहे थे। इसी बीच घर में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन जैसे ही हंगामा शांत हुआ, शमिता और करण प्रतीक की गलती के लिए निशांत को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। दरअसल करण कुंद्रा शमिता शेट्टी को ये बता रहे थे कि अगर निशांत प्रतीक का समर्थन ना करें तो वो इस तरह से गलतियां नहीं करेगा, और निशांत के सपोर्ट की वजह से ही प्रतीक को उसकी गलती को दोहराने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और इसके लिए करण ने शमिता को उदाहरण भी बताया कि प्रतीक की गलती जब शुरुआत हुई थी उसी समय अगर निशांत उनका समर्थन नहीं करते तो प्रतीक अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। शमिता ने करण को ये बताया कि निशांत ये जानबूझकर कर रहा है या फिर अनजाने में, ये समझ पाना जरा मुश्किल है, लेकिन मैंने निशांत से बात की है कि हम आगे से प्रतीक का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन निशांत ऐसा करेगा या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। शमिता और करण के बीच जो बातचीत हो रही थी उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों ने प्रतीक की गलतियों के लिए निशांत को जिम्मेदार ठहराया है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।